And now it's time to give away the last award of tonight. But surely, it doesn't end here. We have all the hopes in years to come. Being a refugee is a badge of strength, courage and victory. हमारी लास्ट अवार्डी फॉर टुनाइट वो हैं जिन्होंने हमें ये एहसास दिलाया कि घर एक जगह का नाम नहीं बल्कि एक एहसास का नाम है. एक ऐसा एहसास जो ना सिर्फ हमें तहफ्फुज़ फरहम करता है बल्कि ख्वाब देखने और उन्हें हासिल करने की हिम्मत भी देता है. टू प्रेजेंट दिस अवार्ड आई'ड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज द प्रेजिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हिज एक्सलेंसी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब. Here's a package on her journey from a refugee settlement to achieving the unthinkable. डॉक्टर कुरतुलैन बख्तियारी एक विजनरी हैं. वो बेहतर माशरे की तश्कील के लिए अपनी सलाहियतों को बारूए कार ला रही हैं. जिंदगी की इब्तदा 12 साल कराची की एक महाजर आबादी में गुजारने के बावजूद इन्होंने अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा और इंग्लैंड की लोबरो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी डॉक्टरेट मुकम्मल की. सैनिटेशन के लिए आवाम दोस्त पॉलिसियों पर तवज्जा देते हुए इन्होंने क्वेटा की इंतजामिया और शहरियों और कराची में बल्दिया टाउन के तावुन से 8,000 से जायद पिट टॉयलेट्स तामीर किए. पिछले 35 सालों से डॉक्टर बख्तियारी की तवज्जा बलूचिस्तान की नौजवान आबादी पर मरकूज रही है और सूबे के देही इलाकों में 2200 से ज़ायद गर्ल्स प्राइमरी स्कूल्स के कायम में और 20,000 लड़कियों के स्कूल्स में एनरोलमेंट और 3,000 से ज़ायद ख़वातीन असातिज़ा की तकर्रुरी में इन्होंने एक कलीदी किरदार अदा किया है. डॉक्टर बख्तियारी ने बलूचिस्तान में अपनी तर्ज का पहला इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज ITSP कायम किया जहां नौजवानों की तामीरी और समाजी तरक्की के लिए मुस्बत सोचने की सलाहियतों को उजागर करने के साथ साथ मिडवाइफरी मैनेजमेंट IT और लीडरशिप की तरबियत दी जाती है. अब तक 8,000 से ज्यादा नौजवान और लड़कियाँ ITSP से ट्रेनिंग हासिल कर चुकी है. हालिया सैलाब के दौरान ITSP ने बलूचिस्तान भर में 3,000 से जायद खानदानों की मदद की. 2014 में डॉक्टर बख्तियारी को आलमी नोबेल प्राइज बराए अमन के लिए मुंतखब किया गया. इसके अलावा वो बहुत से बैनुल अक्वामी और मुल्की अवार्ड्स भी हासिल कर चुकी हैं. हम डॉक्टर बख्तियारी की पाकिस्तान के सबसे ज्यादा कम तवज्जो पाने वाले इलाकों के लिए गिरा कदर खिदमात को सलाम पेश करते हैं. माशाल्लाह जी, she embraced equality by building others up. So please put your hands together for Miss Kuratulen Bakhtiari. What a great evening. ऐसी भी कोई शाम होती है सोचा नहीं था हमने. हमें तो पिछले 35 साल से सहरा की और पहाड़ों की आदत सी हो गई थी. ये नहीं पता था कि ऐसी भी दुनिया होती है. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुल्तान जी. आपका आप अपनी ज़ात में इदारा हैं. आपने के ड्रामे, आपके जो मैसेजेस हैं उनमें क्या लिबरेशन है, क्या नई थॉट्स होती हैं. इट्स अ ग्रेट एजुकेशन फॉर द सोसाइटी. और सर आप यहाँ मौजूद हैं, बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे लिए. मैं ज़िंदगी में पहली दफ़े किसी गवर्नमेंट के इतने, मैं कभी नहीं किसी के पास इतने करीब से आई हूँ. मुझे सिर्फ अपनी थोड़ी सी आगही बयान करनी है. बलूचिस्तान पाकिस्तान की एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा मुल्क जो है उस खुत्ते के नीचे जितनी मादनियात है उसको तो बहुत अच्छे से जानता है मगर उसके ऊपर जो इंसान है उनको नहीं जानता है. मुझे उस सूबे ने री एजुकेट किया है कि अपने आप से कैसे जीते हैं. तुम्हारे पास सबसे कम NFC अवार्ड हो कोई बात नहीं, फिर भी जीते हैं. अपने खाना खुद पैदा करते हैं, सबसे कम कंज्यूम करते हैं और किसी से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ देते हैं और देते ही जा रहे हैं.
मगर कितने आइसोलेटेड हैं, कितना कम जानता है पाकिस्तान उन लोगों को, ये मैंने सीखा वहां जाके। क्वेटा के अंदर छोटा सा उनका शहर, हर फर्द, क्वेटा का हर फर्द कम से कम 3 जबानें और ज्यादा से ज्यादा 7 जबानें जानता है। इसको एक हार्वर्ड के प्रोफेसर आए थे, उन्होंने कहा द मोस्ट एनलाइटेंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, लिंग्विस्टिक का प्रोफेसर आए थे, ही डिक्लेयर्ड क्वेटा एज द मोस्ट एनलाइटेंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब ये था मेरा सिर्फ कि हम थोड़ा सा बलूचिस्तान की आइसोलेशन को ख़त्म करें, लोगों के साथ समझें उसको, और हमारा इंस्टीट्यूट है, रेजिडेंशियल है, आप लोग सब आएँ रहें और हम आपको सबसे मिलाएं और आपके पास वो सब आएँ और ये दीवारें टूट जाएँ, कितनी खूबसूरत बात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, थैंक यू सर। वाकई बलोचिस्तान का जितना जितना जिक्र हो उतना कम है। मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा आज रात जितने हमारे अवार्डीज हैं, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। ऑनरिंग यू ऑल हैज बीन द बेस्ट फीलिंग एवर, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस हियर टुनाइट। अ बिग थैंक यू टू आवर ऑनरेबल एडवाइजरी कमेटी एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर स्टाइलिंग पार्टनर फाइजास सैलून। एंड बिफोर वी साइन आउट टू ऑल द वुमेन आउट देयर, रिमेंबर कि आप और सिर्फ आपके पास, अल्लाह की तौफीक के बाद सिर्फ आपके पास ताकत है अपनी किस्मत बदलने की। नेवर फॉरगेट दैट। सो टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ और अपने ख्वाबों को रंग दें। एंड नाउ आई विल रिक्वेस्ट हिज एक्सलेंसी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, द फर्स्ट लेडी मिस समीना अलवी, मिस सुल्ताना सदीकी, मिस्टर दुरैद कुरैशी एंड मिस्टर अब्दुल जब्बार गुल, the honorable advisory committee and all our awardees to please join us on stage for a group picture, please sir, please and, ma'am, and for everyone who is here with us tonight both physically and across the screen, thank you for your precious time, have an amazing year ahead, take care and Allah Hafiz, and Pakistan zindabad।